नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सोल स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। सोल स्पीक के आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे भाई सुरजीत सिंह खालसा से कि जगन्नाथ की धरती पर जब गुरु नानक देव जी पहुंचे वहां उन्होंने क्या उपदेश दिए। तो आइए जानते हैं सुरजीत सिंह खालसा से। परम सत्कार जो गुरु के साथ जी निवाजी सात संगत फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे दीन दुनिया के मालक धन गुरु नानक देव पातशाह दुनिया नूं उतारदे होए, क्योंकि मेरा बाबा आया ही दुनिया नूं उतारन सी। भाई गुरदास जी कहिंदे कल तारन गुरु नानक आया। मेरा गुरु आप मुक्त सी ते लोकां नूं मुक्त करन वास्ते आया सी, दुनिया नूं मुक्त करन वास्ते आया सी। एक शब्द आपां पढ़ने आ जी, मार कहिंदे नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तार। दुनिया नूं तारदे होए, दुनिया नूं मुक्त करदे होए, दुनिया नूं सच दा उपदेश देंदे होए बाबा नानक जगन्नाथपुरी पहुँचिया जी। जदों जगन्नाथपुरी पहुँचन लगे मेरे बाबे नानक ते भाई मरदाना जी, उत्थों दे कुछ लोगों नूं पता लगा कि गुरु नानक जगन्नाथपुरी आया। जा लोगों ने अगे घेरा पा लिया गुरु नानक पातशाह, कहन लगे बाबा सानू एक गल याद है, जदों तुसीं सुल्तानपुर लोधी तों तुरे सो तां उत्थे लोकां ने तुहानू आख्या सी कि तुहाडियां नज़रां विच ना कोई हिंदू ना मुसलमान है, ते चलो साडे नाल नवाज पकड़ो पढ़ो जाके। तां तुसीं लोकां नू सचमुच उत्थे नवाज पढ़न दी जाच सिखाई सी। तुहाडियां नज़रां विच ना कोई हिंदू ना मुसलमान, तुहाडियां नज़रां विच हर कोई इंसान, तां फिर चलो साडे नाल भी वितकरा ना करो, साडे नाल भी जगन्नाथपुरी उस मंदिर दे अंदर जाके साडे नाल भी आरती पढ़ो। मेरा गुरु नानक कहिंदा मैनूं कोई गुरेज नहीं, मैं तुहाडे नाल आरती पढ़न नूं तैयार हाँ। जिकें जाणो जगन्नाथपुरी, तुहानूं पता है उत्थे जगन्नाथ दा मंदिर है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है। धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने उन्हां लोकां दे नाल तुर पे ने, ते उत्थे जदों जगन्नाथपुरी पहुँचे ने, मंदिर दे अंदर पहुँचे, लोकां ने आरती करनी शुरू कर दित्ती। जिवें जिवें मर्यादा हुंदी, सात संगत अपनी अपनी मर्यादा हुंदी है, मेरा गुरु नानक देखदा रहा। मेरे गुरु नानक ने आरती विच हिस्सा नहीं लिया, बल्कि खड़े होकर सारा नज़ारा देखते रहे। आरती की जो समाप्ति हुई ना सात संगत, उन्हां लोकां ने एक शिकवा किया गुरु नानक नाल, कहन लगे बाबा तू साडे नाल प्रोमिस करके आया सां, वादा करके आया सां कि चलो तुहाडे नाल आपां खड़े होकर आरती करदे आं, पर तुसीं साडे नाल आरती नहीं पढ़ी, साडे नाल धोखा किया। मेरा गुरु नानक कहिंदा मैं कोई धोखा देण वास्ते नहीं आया, मैनू तां रब ने भेजिया जाओ दुनिया का भला करो, मैं दुनिया का भला करन वास्ते आया, दुनिया तो पखंड खत्म करन वास्ते आया, दिखावा खत्म करन वास्ते आया। वो लोग हैरान होए, कहिंदे तुसीं किहदी आरती करते पे सी, कहिंदे असीं जगन्नाथ की आरती करते पे सी, कहिंदे ठीक है तुहाडी भावना है तुहाडी शरदा है, पर मैं उस जगन्नाथ की आरती करना जिहड़ा केवल तां केवल मंदिर के अंदर नहीं, जिहड़ा जगन्नाथ पूरी दुनिया का नाथ है। नाथ का अर्थ की हुंदा है मालक, मैं उहदी आरती करन दी मैनूं लोड़ नहीं, बल्कि उहदी आरती तां ऐटोमैटिकली हो रही है। कितें झात मार के देख जिकें जाने, हुण ध्यान दे नाल सुनियो। मेरे गुरु नानक ने उत्थे इक शब्द उचारिया जी उहनां लोकां नूं समझाउण वास्ते, कहिण लगे तुसीं कितें गौ नाल उहदे परमात्मा की कुदरत नूं देखोगे ना, तो उस परमात्मा की आरती आलरेडी हो रही है, सानू आरती करन दी लोड़ ही नहीं है। उत्थे गुरु नानक ने शब्द उचारिया, कहिंदे लोको सुनो गगन मैं थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तुसीं ध्यान नाल देखो, ये जरा आकाश है ना, ये मानो एक थाल परमात्मा ने बनाया जी अपनी आरती करने वास्ते। कितना कमाल का उपदेश जी, कहिंदे ये जरा आकाश है, एक थाल है, तो आकाश ते चंद ते सूरज मानो ये बहुत बड़े दीवे जगदे पे, जिवें एक थाली के अंदर दीवे जगाए जाते ना, कहिंदे आकाश नूं थाल समझो ते थाल के अंदर दो बहुत बड़े दीवे जग रहे हैं। उस तो बाद मार कहिंदे बने तारका मंडल जनक मोती, ये जिहड़े तारे आकाश के अंदर चमकते पे ने, ये मानो हीरे ते मोती ने, ये मोती थाल विच सजे हुए ने। इन्नी समगरी आलरेडी परमात्मा ने तैयार की है आरती वास्ते, असी उस परमात्मा की की आरती कर सकांगे। एक छोटी जी थाली लैके देखो कितने परमात्मा का नज़ारा, उदी रची हुई कुदरत देखो, एडा बड़ा आकाश थाल दिता, थाल के अंदर एडे बड़े दीवे सूर ते चंद जगदे पे ने,
अते तारे इतने बड़े मोती जड़े ने उस थाल विच सजे हुए न इत्थे वस ने। महाराज कहिंदे तूप मल्यान लो पवन चबरो, ये पहाड़ी इलाके विच जिहड़ी हवा आंदी है जिथे चंदन के रुख होंदे ने किन्नी किन्नी कमाल की जिहड़ी खुशबू आ रही है ना, कहिंदे मानो ये थाल के अंदर धूप पई धुखदी है। देखो हर एक चीज़ सतगुरां ने दस दी जी, जो जो समगरी थाली विच रख के आरती की जाती उसनों बार मुखी मेरे गुरु नानक ने दिखा दिता। कहिंदे जिथे आकाश एक थाल समझो, थाल के अंदर चंद ते सूरज दीवे जगदे पे न, तारे जिहड़े ने मोतियां वांग थाल विच सजे हुए न, ते जिहड़ी पहाड़ां तों ये हवा आती पी ना, चंदन की खुशबू वगैरह, ये मानो धूप जग रही है पवन चवरों, ते बाकी जिहड़ी हवा मानो उस परमात्मा नूं चोर करदी पी है। गुरद्वारा साहब चोर करदे ना आपां, कहिंदे हवा मानो चोर कर रही है। सगल बनराए फुलंत ज्योति अते जिन्नी बनस्पति है ना, ये समझो फुल बिखेरती पी है। आरती ते आवां फुल सुटने, जिन्नी बनस्पति है कुदरत दे अंदर सारी मानो फुल बिखेरती पी है। इहो जी आरती तुसी देखो अगे ही हो रही है। लंबेरा शब्द है पर मैं ये दो पंक्तियां लईयां। सानू आरती करन दी लोड़ नहीं बल्कि असी उस आरती दे अंदर शामिल होना है। आरती तो अगे ही हो रही है, अगे सतगुरु वचन किया कैसी आरती होए पबखंडना, तेरी आरती है मालका तेरी किड्डी वड्डी आरती हो रही है। जिहड़ी बंदे दे बयान करन तो परे दी गल, बंदा इस आरती नूं बयान ही नहीं कर सकता। इत्थे एक जिक्र करना चाहना सात संगत, तुहानूं पता है रविंद्र नाथ टैगोर उन्हें एक राष्ट्रीय गीत लिखिया सी जी, जिहड़ा जन गण मन है ना राष्ट्रीय गीत, यह रविंद्र नाथ टैगोर ने लिखिया सी। किसी सज्जन ने पूछया, कहन लगे ठीक है ये साढ़े देश का राष्ट्रीय गीत है, बड़ा बड़ा परोपकार किया, बड़ा बड़ा तुसी भला किया, इस देश का राष्ट्रीय गीत तुसी लिखिया, पर एक तुहाडे अगे सवाल है। रविंद्र नाथ टैगोर नूं आख्या सी, कहन लगे की सवाल है, कहिंदे जदों किते मौका आए कोई इहो जिहा समा आए, ये सारिया देशों दियां जिहड़ियां हद्दां ने ये किते खत्म हो जाण, किते ऐसा समा आ जाए किते परमात्मा की कृपा नाल ये सारी दुनिया कितने एक हो जाए, कोई ऐसी मालक की कृपा वापरे, ध्यान ना सुन वाली जी, कितने यहोजा सबब बने, कोई गुरु कृपा करे, कोई मालक रहमत कर दे, ये सारिया कंट्री दिया जिहड़ियां हद्दां बार्डर खत्म हो जाए, सारी दुनिया कितने एक जदों हो जाए, तो रविंद्र नाथ टैगोर ने आख्या उस मौके जरा अंतरराष्ट्रीय गीत होगा वह किड़ा होगा वह भी लिख दौ। बड़ा कमाल का सवाल से, ध्यान ना सुनो मैसेज लै लियो, क्योंकि मेरा बाबा जिथे भी गया सच का उपदेश दिता। रविंद्र नाथ टैगोर ने आख्या राष्ट्रीय गीत तो तुसी लिख दिता है कि कल नू किते सारी दुनिया एको जे ते अंतरराष्ट्रीय गीत केड़ा होगा वह भी लिख दौ। तो रविंद्र नाथ टैगोर के हाथ जुड़ गए सन, कहन लगे अंतरराष्ट्रीय गीत मैं नहीं लिख सकता, ना ही लिखन की लोड़ है, अंतरराष्ट्रीय गीत तो गुरु नानक पहले ही लिख के दे गया। इतना बड़ा परोपकार जिन्हों गल समझ आ गई ना, उन्होंने गुरु नानक के चरणों शीस झुका दिता से, कहन लगा मैनू अंतरराष्ट्रीय गीत लिखण की लोड़ नहीं, वो दुनिया का मालिक गुरु नानक पहला ही लिख के दे रहा। कहिंदे किहड़ा गीत, कहन लगे देखो गगन मैं थल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती वाला शब्द पढ़ियो, इनू मान्यो कि अंतरराष्ट्रीय गीत है। क्यों अंतरराष्ट्रीय जी, जिहड़ा आकाश है ना ये केवल तो केवल हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान ज अमेरिका का नहीं, आकाश तो सारियां दा जी, ये अंतरराष्ट्रीय गीत होगा जिहड़ा गुरु नानक ने शब्द उचारे। चंद ते सूरज केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान दे नहीं, ये तो सारी दुनिया दे, तारे जिहड़े ना किसी एक देश दे नहीं है, ये सारी दुनिया दे ना, एक सांझा गीत अंतरराष्ट्रीय दुनिया लई सांझा गीत जिहड़ा ना, ये मेरे गुरु नानक ने बड़ा लंबा समा पहला ही उचारण कर दिता सी। पता किन्हां लोगों नूं समझ आई, जिन्हां दे अंदरों हंकार खत्म हो गया सी, जिन्हां दे अंदर ईगो नहीं सी, जिन्हां ने अपना राह जरा सच का तैयार कर लिया से, उन्होंने गुरु नानक की गल बहुत चंगी लगी, उन्होंने गुरु नानक के चरणों में अपना शीश झुकाया। सा संगत इत्थे धन गुरु नानक देव पातशाह ने जगन्नाथपुरी विखे ना लोगों असल आरती करन दी जाच सिखाई कि भलिओ आओ तुहानू दसीए कि असल आरती की है। ये साड़ी आरती बहुत छोटी है, गुरु नानक पातशाह कहन लगे कि ध्यान मार के देखो, चापड़ा मार के अखां बंद करके उस करते दी कुदरत वल वेखो। बड़ा प्यारा एक बचन बाणी च आंदा जी, कहिंदे कितें तुहाडी जवान तों इह बचन निकल जाए बलिहारी कुदरत वसिआ तेरा अंत न जाई लखिआ। तुसीं कह दिओगे मालका
तेरा कोई अंत नहीं पाया जा सकता। जिड्डा तू वड्डा उड्डी तेरी रची हुई एक कुदरत है, तू कुदरत के अंदर वस रहे हैं, सब कुछ तू तैयार करके सानू दिता है, बस असी किते शुकराना करन दी जाच सीख लीए। दोबारा बेनती कर लगा, गुरु नानक ने जगन्नाथपुरी विखे लोगों नू असल आरती करन दी जाच सिखाई कि तुहाडा किते भला हो जाए, जींदे जी किते ये जीवन विच तुहाडी रब नाल सांझ बन जाए। इतनियां कु बेनतियां प्रवान करनियां जी। फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो ये थे भाई सुजीत सिंह खालसा, जिनको आपने सुना, और हमें उम्मीद है कि इससे आपको फायदा होगा और काफी ज्ञान आपको मिला होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए क्रिकेट जम्मू वर्चुअल।